इस तरीके से ये जो हमारा पहला मेथड है ये डन हो जाएगा ह्यूमंगस पाउच का। कॉम्बिनेशन अच्छी बैठती है तो चाहे तो दोनों पैर भी एक साथ लेके जा सके। बेबी की तरह नॉर्मल कैरी करके इसके बाद आराम से आप नीचे ले जा सकती हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं आपका अपना एडवेंचर फ्रेंड गौरव तिवारी एंड स्वागत करता हूं अपने चैनल गौरव एडवेंचर में। तो दोस्तों ये जो वीडियो होने जा रही है काफ़ी ज़्यादा खास होने जा रही है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इमरजेंसी रेस्क्यू मेथड के बारे में। कई बार ऐसा इंसिडेंट दोस्तों हो जाता है, अगर आप गाँव में रह रहे हो शहर में रह रहे हो, कई बार ऐसा इंसिडेंट आ जाता है कि जहाँ पे आपके पास कोई साधन अवेलेबल नहीं होता, कोई इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ आपके पास हाथ होते हैं या एक या दो पर्सन होते हैं, तो उस टाइम आपको सिचुएशन से कैसे डील करना है। कोई कैजुअलिटी है तो कैजुअलिटी को कैसे वहाँ से या सेफ एरिया में लेके जाना है, उस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। हाँ, ये जो वीडियो होने वाली है शॉर्ट डिस्टेंस पे होने वाली है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको जाना है तो कई बार आपको ज़रूरत पड़ती है स्ट्रेचर की, एंड इसमें से कुछ मेथड ऐसे हैं कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी कैरी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई साधन अवेलेबल नहीं है तो। फॉर एग्जांपल माउंटेंस पे ये कैरी कर सकते हैं, अगर आप दो जने क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं समिट के लिए जा रहे हैं, तो उस टाइम भी ये सिचुएशन आ सकती है, तो उसमें ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक एक करके सारे मेथड। उससे पहले दोस्तों इंट्रोड्यूस करा देता हूँ अपनी टीम के साथ। फर्स्ट है हमारे विकास सर, उसके बाद है सिद्धार्थ सर, नेक्स्ट है हमारे लक्की सर, उसके बाद है सेम विकास सर। तो दोस्तों ये सब हमारे साथ रहने वाले हैं। इसके अलावा एक पर्सन से और इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारे डायरेक्टर सर हैं पीछे, हमारे कबीर सर। तो एक एक करके सारी चीज़ें करेंगे एंड एक एक करके सारे जो हमारे मेथड हैं उन सब मेथड का यूज करेंगे एंड आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं पहले मेथड के बारे में, ह्यूमन क्राउच मेथड बोला जाता है, यानी हिंदी में अगर हम बात करें तो मानव बैसाखी मेथड बोला जाता है। कई टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपका पैर इंजर्ड हो जाता है। तो अभी जैसे विकास सर हमारे आ रहे हैं, विकास सर को आते आते अब फॉर एग्जाम्पल इनके पैर में चोट लग गई और गिर गया, तो सिद्धार्थ सर हेल्प करने आएंगे। सिद्धार्थ सर आ जाइए। अब मान लीजिए सर कौन से पैर में चोट लगी आपकी, पैर में चोट लग गई, अब हेल्प कैसे करनी है आपको ये सिचुएशन भी देखनी है। पहला तो आपके हाथ जो है क्रॉस कर लीजिएगा अपनी गर्दन से। उसके बाद सेकंड आता है ये जो पैर है, इस पैर में चोट लगी है, पहले तो इसे ज़्यादा मूव नहीं कराना एंड अपने पैरों का सपोर्ट देना है। तो एक पैर तो ये इंजर्ड है ये वाले पैर से, तो ये वाले पैर पर सपोर्ट देना, ये पैर ये खुद चला सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा पहला मेथड है ये डन हो जाएगा ह्यूमंगस पाउच का। तो दोस्तों इसके बाद अगर हो जाता है कि दोनों पैर में मान लीजिए चोट लग जाती है, घुटने पे लग जाती है या एंकल ट्विस्ट हो जाता है, तो उसके दौरान क्या करना है, अगर जिसे नस वगैरह देखने नहीं आती या फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है तो प्लीज़ वो पैरों को ना छेड़े। इजी सा मेथड होता है ह्यूमंगस पाउच का, टू मैन सपोर्ट मेथड होता है। जब आपके पास दो पर्सन अवेलेबल हैं तो आपको कैसे हेल्प करनी है, तो उसके दौरान दोस्तों फॉर एग्जाम्पल हमारे विकास सर आ रहे हैं, विकास सर आइए। अब मान लीजिए इनके दोनों पैरों में चोट लग गई है एंड ये हिल नहीं पा रहे, तो इसके लिए सिद्धार्थ सर हेल्प के लिए आएंगे एंड लक्की सर आएंगे। लक्की सर इधर से आइए। अब देखिए पहले तो इजीली उठाना है, आराम से उठाना है, ये तरीका होगा। अब इन्हें खड़ा कर लिया, अब इसके बाद दोनों पैर सपोर्ट के लिए रख लेंगे एक एक करके। तो दोस्तों इसके बाद अपने पैरों से सपोर्ट देना है, आप चाहें तो एक एक करके भी पैर आगे ले जा सकते हैं या चाहें तो दोनों पैर एक एक साथ ले जा सकते हैं, पहले वो वाला पैर फिर ये वाला पैर, ऐसे भी ले जा सकते हैं। अगर चाहें तो दोनों पैर एक साथ भी करके, अगर आपकी कॉम्बिनेशन अच्छी बैठती है तो चाहें तो दोनों पैर भी एक साथ लेके जा सकें। तो दोस्तों ये हो गया ह्यूमन क्राउच विद टू मैन मेथड। दोस्तों इसके बाद जो मेथड आता है पिकअप बैग मेथड आता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे विकास सर यहाँ से चलते हुए आएंगे एंड मान लीजिए कई बार आगे की तरफ पैर स्लिप होता है एंड ये पीछे की तरफ गिर जाता है, पीठ में चोट लग जाती है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। दोस्तों होता क्या है कि कई बार हमारे पीठ में जब चोट लग जाती है या पीठ छिल जाती है कैसे भी, तो दोस्तों उस टाइम क्या करना है, उस टाइम दोस्तों मेथड यूज होता है पिकअप बैग मेथड यूज होता है उसमें, कि अगर हमारे पीठ में चोट लगी है तो कैसे करना है। तो सिद्धार्थ सर आएंगे, सिद्धार्थ सर बताएंगे कि ये मेथड कैसे करना है।
फर्स्ट आपको क्या करना है, जैसे आगे की तरफ आप अगर बैठते हैं, आगे की तरफ लेके आना, आगे की तरफ आ गया। इसके बाद दोस्तों ये मेथड हो गया आपका पिकअप बैग मेथड। किसी के अगर पीठ पे चोट लगी है तो इस तरीके से लेके, और इसका ध्यान रखें कि हाथ जो है वो आगे से पकड़ लें, क्योंकि आगे की तरफ कोई पर्सन है तो आगे की तरफ फेंकना हो, पीछे की तरफ ना हो, क्योंकि अगर पीछे की तरफ गिरते हैं तो ज्यादा चोट लग सकती है। फिर हो गया हमारा पिकअप बैग मेथड। ऐसे ही दोस्तों एक मेथड आता है कि फॉर एग्जांपल अगर चोट लग जाए एंड अगर ऐसे करके थक गया तो इस पर्सन को आगे की तरफ भी हम लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद सबसे इजी मेथड होता है एंड सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड होता है फायरमैन्स लिफ्ट। ये दोस्तों कैसे करना है वो सिद्धार्थ सर करके बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल विकास सर इंजर्ड है तो इन्हें अभी नीचे से उठा लिया है इन्होंने, एंड उसके बाद करना कैसे, पहले तो पैरों में थोड़ा सा गैप रखना है, अपने ऊपर इन्हें लेना है, ये हाथ यहाँ पे आएगा, ये हाथ इनकी कमर पे आएगा एंड ये जो सर है इसे सर को सपोर्ट किया, अगर नेक में भी इंजर्ड है तो जोर ना पड़े एंड ऐसे ही लेके थोड़ा चढ़ के निकलिए सर पीछे से। तो ये हो गया हमारा फायरमैन लिफ्ट। इसके बाद दोस्तों हो जाता है कि अगर हमें कहीं से रेस्क्यू करना है, ये पर्सन कोई बेहोश पड़ा है, तो इसमें दो मेथड एक जैसे हैं तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। फर्स्ट आता है आपका एक ड्रैग मेथड करके होता है, वो भी सेम होता है, एंड इसके अलावा एक मेथड आता है आपका स्टेयर्स मेथड। स्टेयर्स से उतारना कैसे है वो भी सेम आएगा। उसमें दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे पीछे से ग्रिप करना है, एंड इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल स्टेयर से मैं नीचे उतर रहा हूँ तो यहाँ पे पीछे आपको देखते रहना है एंड एक एक स्टेप पीछे लेना है, यहाँ से नीचे देखते हुए एंड एक एक स्टेप करके लेना है कि आगे वाले पर्सन को छोड़ता है एंड स्लोली आप नीचे लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों ये मेथड इसके लिए भी है, अगर मान लीजिए सामने वाले पर्सन का वेट अगर ज़्यादा है तो उस टाइम के दौरान भी ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिद्धार्थ सर तो हो गए, सिद्धार्थ सर अगर हैं एंड विकास सर को उनकी हेल्प करनी है तो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, ड्रैगिंग मेथड। तो दोस्तों इसके बाद हो जाता है फॉर एग्जांपल ये पर्सन बेहोश पड़ा है, ऊपर आग लगी है, नीचे हमें लेके आना जल्दी, कोई है नहीं सपोर्टिंग के लिए, अकेले ही करना है, तो उसके अंदर दोस्तों बेबी कैरी मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बेबी को कैरी करते हैं, इसमें दोस्तों ये मेथड तब यूज़ होगा जब सामने वाला पर्सन ज़्यादा तो भारी ना हो, हल्का हो, तब यूज़ कर सकते हैं ये मेथड। बेबी की तरह नॉर्मल कैरी करके इसके बाद आराम से आप नीचे ले जा सकते हैं या सेफ जगह पे लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आता है फ्रंट एंड एल्फ मेथड। फॉर एग्जांपल इन्हें चोट लगी हुई है, बेहोश पड़े हैं एंड हमें नहीं पता दोस्तों इंजरी कहाँ है, तो ट्राई करना है कि कम से कम बॉडी को मूव कराया जाए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो होश में है उस टाइम तो हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों कोई भी मेथड उसकी कम्फर्ट के हिसाब से, जहाँ पर उसे चोट ना लगे, इंजरी ना हो। बट अगर बेहोश पड़ा तो ट्राई करना है पहले तो बॉडी देख लेना, अगर कहीं से खून आ रहा है तो उस प्लेस को देखना है, या हाथ अगर कई बार ब्रेक हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो उस जो पॉस्चर होता है वो फर्स्ट एड की। दोस्तों अगर मैं टाइम मिला मुझे तो अलग से एक लेक्चर बना दूंगा फर्स्ट एड के लिए कि फर्स्ट एड कंडीशन क्या होती है, बट दोस्तों इसमें बेसिक चीज़ में मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेथड कैसे यूज़ होता है। तो फॉर एग्जांपल विकास सर बेहोश पड़े हैं तो ईजिली आराम से उठाना है, पहले तो यहाँ से ध्यान से ध्यान रखना है कि ये इंजर्ड ना हो और ज़्यादा, तो पहले तो इन्हें बिठा लेंगे इसी तरीके से। एंड इसके बाद लकी सर आएंगे, लकी सर इनके पैर उठाएंगे, मैं इधर से इनके हाथों के बीच में से ऐसे रखूंगा एंड इन्हें आगे की तरफ लेके जाऊंगा। जहाँ पे भी आगे सेफ जगह पहुंचा के उसके बाद स्ट्रेचर का यूज कर सकते हैं, एम्बुलेंस आई जाएगी। फॉर एग्जांपल ऊपर चोट लगी है, नीचे लेके आना है, आग लगी है, कुछ भी ऐसी कंडीशन आ सकती है, या माउंटेनिंग में भी ऐसी कंडीशन कई बार आ सकती है, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं फ्रंट एंड एल्फ मेथड। तो दोस्तों इसके बाद आता है शीट मेथड, हैंड शीट मेथड कैसे होते हैं, तो काफ़ी इजी मेथड एंड यूज़फुल मेथड है, तो इसके बारे में अब बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे वॉलंटियर आ गए भाई, तो भाई जी आपका नाम क्या है? राधे। तो राधे भाई आ गए, अभी रिसेंटली इनकी मूवी आई है, इससे पहले वॉन्टेड आई थी, अब राधे पार्ट टू आ रही है, यानी वॉन्टेड पार्ट टू आ रही है, तो सब देखने ज़रूर जाना। तो इसके बाद दोस्तों फॉर एग्जांपल इनके पैर में इंजरी आ गई, आप बैठ जाइए। फॉर एग्जांपल इनके इस पैर में इंजरी आ गई है, अब हमें क्या करना है कि ये वाला पैर ट्राई करना है मूव ना करें। अब पहले तो सपोर्ट लेके सिद्धार्थ सर एक बार आ जाइए प्लीज़। फॉर एग्जाम्पल इन्हें हम ऐसे नॉर्मली पहले एक पैर पे खड़ा कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हैंड शीट मेथड बनाना है, थ्री हैंड शीट मेथड। वो कैसे बनाएंगे, लकी सर आ जाइए, पहले देखिए
ये ज्वाइन करना है आपस में, ये आपस में ज्वाइन करना है नीचे, एक एक नी पे बैठ जाना जैसा सपोर्ट मिल जाए उनके कंधे लकी सर। और ये वाला पैर मैंने जैसा बताया था आपको चोट लग गई है तो ये मैं अपने हाथों से पकड़ लूँगा कि ये ज़्यादा मूव ना करे, अगर हम इसे ज़्यादा मूव करते हैं तो इंजरी बढ़ सकती है या पैर में पेन ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हैंड शीट मेथड बाय थ्री हैंड, या थ्री हैंड शीट मेथड भी आप बोल सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आता है फोर हैंड शीट मेथड, वो कैसे, फॉर एग्जांपल इनके दोनों पैरों में चोट लगी है, दोनों एंकल में लगी है या बीच में कहीं भी लगी है हमें नहीं पता है, तो उस दौरान क्या करना है तो वो भी हम बात करते हैं। तो दोस्तों लंबी दूरी के लिए इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं फोर हैंड शीट मेथड। ये कैसे करना है तो पहले तो फॉर एग्जांपल प्लेन जगह पे इन्हें चोट लगी है तो कोई ऐसी जगह हम ढूंढेंगे जहाँ पे बैठने की जगह हो एंड जहाँ पे हम फोर हैंड शीट मेथड का यूज़ कर सकें। तो पहले तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है तो यहाँ से हम उठा के ले जाएंगे, बट दोनों पैरों में चोट लगी है तो ध्यान रखना है कि पैर ज़्यादा मूव ना करें जहाँ पे हम लेके जा रहे हों। तो पहले तो हम इन्हें बिठा देंगे आराम से, पहले तो कोई ऐसी जगह हम लेके जाते हैं, पहले तो ऐसी जगह कोई लेके जाते हैं जहाँ पे बैठने की जगह प्रॉपर मिल जाए हमें। अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, फोर हैंड शीट मेथड बनाना है। तो दोस्तों ऊपर से ऐसे बन जाएगा, अब यही चीजें हमें नीचे से बनानी है, तो ये वाला हाथ अपना यहाँ से छोड़ देंगे एंड इसके बीच में लाना है, दोनों के ना जो हाथ हैं उसके बीच में लाना है, तो सेम सिचुएशन हो जाएगी, ये बैठ जाएंगे, थोड़ा सा सिद्धार्थ सर हेल्प करेंगे, बस अब ये बैठ चुके हैं। अब इजी मेथड है, इस तरीके से आराम से कैरी करके ले जा सकते हैं, अगर दोनों पैर में चोट लगी है एंकल ट्विस्ट हुआ है तो इजीली कैरी करके ले जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आप ले जाके पर्सन को स्ट्रेचर पे भी अगर लिटा रहे हैं नीचे, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग से आप नीचे ले आए एंड स्ट्रेचर पे लिटा रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि पैरों को चोट ना लगे एंड तकलीफ कम हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। फॉर एग्जांपल आराम से लिटा देंगे, पैरों को ज़्यादा मूव ना करें एंड एक चीज़ का ध्यान रखें कि फर्स्ट एड का अगर बेसिक सी चीज़ें बताता हूँ, फॉर एग्जांपल कहीं पैर की हड्डी टूटी है तो उस टाइम हमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी, कोई भी एक डंडा लेंगे या कोई भी अगर फट्टा मिल जाता तो उस टाइप का लेंगे, पैर में प्रॉपर लपेट देंगे उसे बांध के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चोट लगी तो यहाँ पे फट्टा लेके साइड में रख के एंड पूरे कपड़े से रोल कर देंगे, ज़्यादा टाइट नहीं, थोड़ा लूज करके भी बांध सकते हैं जिससे कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी एंड पर्सन को इजीली लेके जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें एंड अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, एंड स्पेशल थैंक्स फॉर माई फ्रेंड्स ऑल्सो जिन्होंने टाइम दिया एंड सुबह सुबह, अभी टाइम हो रहा दोस्तों 8 बज रहे हैं एंड सुबह 6 बजे से इन्हें बुला के ला चुका हूँ, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबने सपोर्ट किया एंड भाई साहब हमारे साथ न्यू जुड़े हैं तो इन्हें भी स्पेशल थैंक्स। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ एंड देखते रहिए गौरव एडवेंचर, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।